संजीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि वरोपराणि तथा शरीराणि विहाय वीरानि कन्यानि संज्ञानि नवानि देहि एनं सुरक्षाणि क्या कह रहे हैं कामले साहब, ये कैसे ऑर्डर्स हुए? एक बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता? चलो चलो जल्दी कसौटी को। जी रुक जाओ, मैंने कहा ना जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता ये अर्थी नहीं कसी जाएगी, छोड़ो। कामले साहब, विशाल मास्टर जी का इकलौता बेटा है, क्या आपका कानून आपकी अदालत ये भी नहीं जानती कि पिता की चिता को? देखिए गिरी बाबू, कोर्ट के ऑर्डर्स विशाल की भलाई के लिए है। हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ हुंडे जैसे लोग विशाल की गेम करना चाहते हैं, उसके बाहर आने से शहर में खून खराबा हो सकता है, और इन ऑर्डर्स के साथ हमें इंस्ट्रक्शन है कि मास्टर जी का अंतिम संस्कार 7 बजे से पहले पुलिस सिक्योरिटी में हो जाना चाहिए। ये सब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाइए, जला दीजिए इन्हें जिस तरह अदालत चाहती है उसी तरह जला दीजिए इन्हें। इस आदमी के साथ यही होना चाहिए, बेटे के हाथों आग नसीब नहीं होनी चाहिए इसके शरीर को। जिंदगी भर सच्चाई और इंसानियत की पूजा करते रहे, इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ तो सही है, जला दीजिए, चलो भाई लो लो, जला दो, बांधो इसे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कामरे राख का ढेर सिर्फ ये सच्चिदानंद अग्निहोत्री नहीं बनेगा, बल्कि मेरे बेटे के क्रोध की आग से जसपाल राणा से लेके तुझ तक सब बनेंगे ढेर, राख के ढेर। जो भी जख्म थे इनके सर में थे वो हमने साफ कर दिए, ये कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, ये मंगवा लीजिए। खबरदार, अगर जेब से चिट्ठी निकाली बंटेश्वर। राणा साहब, मैं तो रुमाल निकाल रहा हूँ जी। अब देखिए राणा साहब, इस बार बड़े भैया ने कौन सी चाल चली है, लिखा है भतीजी की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जमीन ना बेच दूं। अब आप ही बताइए राणा साहब, जमीन को बेचकर मैं अपने दादा की आत्मा को दुखी तो नहीं कर सकता ना जी, वो हमारे पुरखों की जमीन है जी। किस जमीन की बात कर रहे हो? वही 2.5 बीघा धौलपुर से फिर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है जी, निकालो। हेलो, अच्छा अच्छा राणा साहब, विशाल जेल तोड़कर भाग गया। कामले साहब, ये खुशखबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा, तो अब अपराधी जेल तोड़कर भागने लगे हैं। चुप, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि विशाल के ऊपर कड़ी नजर रखना, इडियट। हाँ
नागेश कहाँ है? राणा साहब, विशाल को देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स हैं। आप देखते जाइए, 24 घंटे के अंदर उस विशाल की लाश आपके सामने होगी। हेलो राणा, तेरे नागेश को चिता पे लिटा दिया है मैंने। क्या? हेलो, तेरी वजह से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाया था, मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नागेश को किसी शमशान में जलाकर मैं उस शमशान को अपवित्र नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कपासवाड़ी के पीछे एक कटर के पास जलाया है। राणा, वक्त से पहुंचेगा तो आग मिलेगी, देर करेगा तो राख। क्या हुआ राणा साहब, ये आग कैसी? ये आग नहीं, ये नागेश है, नागेश। मैंने पहले दिन इससे कहा था, भैया शर्मा मत, जो भी बात कर लिए कर लो सीधा। अगर जोक भी करो इसे तो सीरियस हो जाता है। सीरियस तो है ही ये। ऐसा ही है ये, अगर चार टांगे होती तो इसका जवाब पूछो इसे। सही है सही है, अगर चार टांगे होती ना इसकी तो। क्या हाल है प्रधान साहब, अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा है विनोद, अमेरिका में डॉक्टर है। ये मेरी बड़ी बहू है, और ये मेरा छोटा बेटा है, पटना में फैक्ट्री प्लान कर रहा है। ये मेरी वाइफ। और ये मेरा पोता है रिको। रिको, मेरा नाम विशाल है, मैं तुम्हारे दादाजी का एक क्लाइंट हूं। तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक बड़े मुश्किल से केस में डाल दिया है, जिसका क्या हल होगा मुझे नहीं मालूम। तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी क्या हैं? मैं बताता हूं, कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगह बनाई है इन्होंने। अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेंका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है। सच और झूठ के फर्क का ये यूं खुलासा करते हैं, यूं।
इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ नहीं उठती। आदमी तो इतने नेक हैं कि खुद की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करते। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों प्रधान साहब, खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है? चुप! किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कहते हैं जब मेरा बाप मरा था तो मेरी माँ की आवाज बंद हो गई थी। बचपन में तुझे एक अध्यापक ने सुधारा था, उस अध्यापक की वजह से तुझे एक नई दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वजह से। मुझे माफ कर दो। लगता है उसने फोन की लाइन काट दी है और उसने दरवाजे भी बाहर से बंद कर दिए हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं प्रधान साहब, बड़ी बड़ी अदालतों में ऊंची आवाज के साथ जिसकी उंगली उठती हो वह हाथ जोड़कर माफी मांगे अच्छा नहीं लगता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं कोर्ट में तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कर। कोर्ट तू कभी देख नहीं पाएगा प्रधान। दिखता तो तू इंसानों जैसा है, तो टांगे मुंह हाथ सर, पर तेरी नस्ल तेरी कौम कुछ और ही है। तू इस दुनिया से अलग है प्रधान, और हम अलग देखना चाहता है। देख, मेरे खून का रंग लाल है, तेरे खून का रंग लाल नहीं हो सकता। मशहूर वकील अशोक प्रधान गोल्ड मेडलिस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल अपने बाप को कंधा देते वक्त अपने दिल और दिमाग में ये बात कायम रखना कि एक बाप को नहीं, बाप को कंधा दे रहे हो।